अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो को शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें बहुत सारे ड्रेसेस और उनके डिज़ाइन आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले इस ड्रेस की तरफ आ जाते हैं। इसका गला इस तरह से पाइपिंग रख के बनाया गया है और जो दरमियान में हल्का सा वी रखा है और तीन तरह इस तरह के इसके पे बटन्स रखे हैं और ये इसके शोल्डर्स पर मैंने ये देखे प्लेट्स रखी हैं 4 से 5 और उन पर 3 बड़े बड़े इस तरह के यानी मीडियम साइज़ के हैं ये बटन्स हैं और ये प्लेट्स हैं। प्लेट्स के साइज़ देखें थोड़ी चौड़ी हैं क्योंकि ये आपको नीचे जो है इस तरह से आपको नीचे क्योंकि फ्रॉक है तो ऊपर से अगर ज़्यादा चौड़ी प्लेट्स रखेंगे तो वो ऊपर से आपकी जो पेटी होगी वो थोड़ी तंग रहेगी और नीचे जाके फ्रॉक जो आपका है वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा खुला हो जाएगा। इस तरह से मैंने 3 3 3 एक तरफ और 3 3 3 एक तरफ से बटन लगाए हैं और दोनों शोल्डर्स पर इसकी प्लेट्स और नीचे इसके दामन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर का इस तरह से पैच दिया हुआ है और इसका जो ये ड्रेस है बहुत ही खूबसूरत है। ये मैंने सना सफीना से परचेज किया है उनके आउटलेट से। सो ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही लाइट वेटेड ड्रेस है और बहुत ही अच्छा कपड़ा है इनका। इसके बाजू के अंदर इस तरह से ब्लैक कलर की डोरी वाली पाइपिंग की है ताकि इसका जो डिज़ाइन है वो भी प्रोमिनेंट हो सके। और इनका स्टफ़ बहुत ज़बरदस्त है, लाइक बहुत इजी टू वेयर है। ये इसकी बैक साइड है और बैक साइड पर भी जो है इस तरह से हल्की सी प्लेट्स रख कर जो है ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ क्योंकि फ्रंट इसका फुल प्रिंटेड है तो वो आगे इस तरह से नजर नहीं है। बैक साइड से देखिए उतनी ही चौड़ी प्लेटें हैं जितनी ये फ्रंट पर हैं। तो ये इस तरह से बैक साइड पर मैंने यहाँ पर डाल दी हैं पूरे एरिया में इस तरह से। और नीचे जो ये वाली मैंने प्लेट्स एंटर की हैं इस तरह से देखें, ये जो है वो फ्रॉक को आपको जो है ना थोड़ी चुनट देखे घेरे को आपके बड़ा करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये होगी और ये बहुत ही रीसेंट और एलिगेंट एक तो डिज़ाइन है, ऊपर से बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है। आप जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इनके और भी ड्रेसेस देख सकते हैं, वहाँ से आप ऑर्डर दे सकते हैं उनको। और अगर अभी तक मेरी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, ठीक है। ये बहुत ही डिसेंट इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र जो है मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। इस तरह का एक पैच था इसके शर्ट में, वो मैंने ट्राउज़र पर लगा दिया, दरमियान में जो है वो 3-3 प्लेटें इस तरह से डाल दी और ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया, ठीक है। दो हमने स्ट्रिप्स लगाई हैं प्रिंटेड और 3-3 हमने उनके दरमियान में प्लेट्स डाल दी हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्ती कैप्री बन गई है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ड्रेस की तरफ आ जाते हैं। ये जो ड्रेस है ये मैंने सिर्फ शर्ट पीस लिया था, लाइक ये 3 3.5 मीटर था और इसको मैंने फ्रॉक बनाया है। ये देखिए आगे जो है इसकी पेटी पे मैंने सिर्फ नीचे काफ़ी सारी चुनटे डाल दी हैं ताकि जो इसका फ्रॉक है ना वो थोड़ा तो आगे से थोड़ा उठा हुआ सा होता है, थोड़ा जो है ना ज़्यादा उभार सा लगता है और इसमें नीचे से काफ़ी इसमें चुड़ाई सी आ जाती है। गला इसका वी रख के और इसके ऊपर देखें ये मैंने इस तरह से बनवाया है और ये टसल्स लगाए हैं और पहने भी ऐसा लगता है जस्ट यू आर वेयरिंग सम काइंड ऑफ नेकलेस। सो ये बहुत ही डिसेंट और एलिगेंट लुक देता है और गले की जो चौड़ाई है वो दोनों साइड से इक्वल रखी है और इस तरह से इसके बाजू हैं जो कि डिसेंट रखे हैं और बिल्कुल सिंपल से हैं। ज़्यादा इस पर और ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि एक तो ये जो है ना लॉन है और इसका जो सिर्फ गले पे ज़्यादा काम हुआ है और लाइट सा फ्रॉक आपने बना लिया, लाइक आप इसको घर में कैजुअल ड्रेसिंग के तौर पर इसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक और इसी जीन्स के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी आप जो है जीन्स हो गई, शॉर्ट ट्राउज़र हो गया, आप उसके साथ जो है ना इसे कैरी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये देखें इस तरह से आप बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका गला, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह का आप गला बना सकते हैं। नेक्स्ट ड्रेस की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट ड्रेस भी बहुत ही खूबसूरत है, ये भी है जी सना सफीनाज का और बहुत ही ज़बरदस्त है ये, ठीक है। लाइक इसका जो ये दिखाती हूँ मैं आपको, रेड कलर है, ये है थोड़े खदर स्टफ़ में। मैंने लास्ट ईयर जो है सेल पे कुछ ड्रेसेस ले लिए थे और जिनको मैंने अब स्टिच करवाया है और इसके रेड है तो मैंने पूरे उस पर जो है ना ब्लैक कलर की पाइपिंग लगा दी इसके गले पर और ऊपर से लेके नीचे जो है ना हल्की मैंने कट रखवाई है, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने ऑल जो है ना राउंड में इस तरह से बटन्स रखवाए हैं, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने वी से करके पीछे जो है वो बैंड दे दिया है और बहुत ही एलिगेंट सा ये डिज़ाइन है। आप इसके साथ ब्लैक और पजामा या जीन्स कैरी कर सकते हैं या इसका जो मैंने टू पीस था तो इसके साथ ये ट्राउज़र है जो मैंने वो अंदर से इस तरह सीढ़ी वाली लेस लेके और प्लेटें डाल के 3-3 करके वो मैंने यहाँ से डिज़ाइन बनाया जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है ये भी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, फैंसी मैक्सी है,
बहुत ही ज़बरदस्त नेवी ब्लू कलर में है और इसके ऊपर जो टोटल है ये है बहुत ही डिसेंट काम हुआ हुआ है और इसमें कुछ जो है बारीक बारीक जो आपको डॉट्स में नज़र आ रहे हैं ये नग है। इसके बाजू पे इस तरह से फ्रोजी पाइपिंग हुई हुई है और इस पर हल्का सा काम हुआ हुआ है। नीचे इस तरह से घेरे पे इसके टसल्स लगे हुए और पाइपिंग हुई हुई है क्योंकि फुल हैवी एम्ब्रॉयडरी है तो इसकी जो है ना पाइपिंग हुई अंदर से तुरपाई में इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, इसका गला बहुत ही ज़बरदस्त है, फुल हैवी काम हुआ हुआ है। ऑलमोस्ट ये मैंने ली थी 12,000 की और इसका देखें यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त इसके जो काम हुआ हुआ है ना बिल्कुल रफली आपको बाज़ दफ़ा इससे ड्रेस मिलते हैं ना रफ काम हुआ हुआ था। ये बहुत ही नीट डिसेंट और एलिगेंट एक तो कलर्स इसमें यूज़ हुए हुए हैं और उसका काम भी बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है। ठीक है, ऑल अराउंड इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ही खूबसूरत है। सो इसका पेज भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से इसके सारे प्राइजेज़ वगैरह और डिफरेंट कलर्स भी हैं इसमें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ड्रेस की तरफ आ जाते हैं। ये जी मैंने लिया था, टू पीस था और लेकिन जो मैंने जो है 4.5 meter अराउंड ले लिया था क्योंकि मैंने इसका फ्रॉक बनाया था और जो कि इसका गला मैंने इस तरह से बनाया है फुल अंदर सिल्क की पाइपिंग रखवाई है और आगे जो गले पे है मैंने इस तरह से 10 से 15 तक तकरीबन बटन लगवाए हैं और इसकी पेटी पे इस तरह से ढेर से मैंने जो है ना वो प्लेटें डलवा दी हैं इस तरह से चुनटें ताकि वो घेरा जो है वो काफ़ी खुला हो जाए नीचे और इस तरह की मैंने ये वाली लेस इसके ऊपर लगा दी है। ठीक है, रेड कलर की लाइक ये जो किरण लेस होती है ना ये वो मिनी किरण लेस है। ठीक है, उसके बाजू पर जो है इस तरह से अंदर पाइपिंग रखवाई है सिल्क की। लेस इसलिए नहीं रखवाई क्योंकि ज़रा आप काम करते हैं तो ये वाली लेस समटाइम जो है ना इरीटेट करती है, सो आप थोड़ा ईजी हो जाते हैं अगर आप पाइपिंग रखवाते हैं तो। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका प्रिंट है और लॉन में है तो यू नो लॉन में लाइट कलर्स और इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं। इसके ये है कि आप कोई भी ट्राउज़र के साथ ब्लैक येलो और रेड कलर के साथ कैरी कर सकते हैं कोई भी और साथ में कोई भी दुपट्टा। ये मैंने सिर्फ शर्ट बनवाई थी, ठीक है, इस तरह का शॉर्ट फ्रॉक बनवाया था और इसके साथ में कोई भी कलर जो है ना वो जो दिल करे वो मैं इसके साथ यूज़ कर लेती हूँ, लाइक ब्लैक दुपट्टा और ब्लैक ट्राउज़र या वाइट पजामा इसके साथ या रेड कलर का या येलो कलर का दुपट्टा इसके ऊपर बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, सो आपके पास वैरायटी हो जाती है कलर चूज़ करने की इसके साथ इस तरह के ड्रेसेस के साथ। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ 5-6 अच्छे से इस तरह के शॉर्ट फ्रॉक बना लें और यहाँ से आप इनके जो है ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको डिज़ाइन के लिए कुछ आइडियाज़ मिल सकें। नेक्स्ट इस ड्रेस की तरफ आ जाते हैं। ये भी शॉर्ट फ्रॉक है जो कि राउंड इस तरह के गले के साथ है और ये भी स्टफ बहुत ही ज़बरदस्त है, प्योर लॉन में है। ठीक है, और इसके साथ जो है ना सारा ये मैंने इस तरह की पेटी बनवा के यहाँ पे सेंटर में पाइपिंग लगवाई है वीटी की और इसको जो है वो क्या किया कि हमने यहाँ पर इसकी जो है ना इस तरह के बाजू बना के इस तरह से हमने इसके ऊपर ये देखें ये बलून स्लीव्स बना दिए हैं, यहाँ पर सारी प्लेटें डाली हैं। अच्छा, ये फुल बलून स्लीव्स नहीं है बल्कि क्वार्टर थे और उसके आगे ये पोर्शन एक और ऐड किया है जिसमें यहाँ पर अपसाइड एंड डाउनसाइड दोनों जो है वो ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पर ये चुनटें डाली गई हैं और ये बलून स्लीव्स बने और यहाँ पर हमने एक सिल्क की लंबी सी स्ट्रिप ले ली और इसको एक साइड से हमने ओपन किया और एक साइड से क्लोज और यहाँ पर हम इसकी खूबसूरत सी बो बनाएंगे। ये सेम डिज़ाइन आप अपने ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आप इसे वेयर करते हैं। इसके साथ आप कोई भी जो है ट्राउज़र ले सकते हैं या जीन्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये सिंपल फ्रॉक बनाया था और जो भी मुझे दिल करे इसके साथ में इसके साथ मैचिंग जो भी होता है वो कैरी कर लेती हूँ, आइदर दुपट्टा और पजामा और जीन्स वगैरह जो कुछ भी। ठीक है, सो इस तरह से ये होगा कि आपको यानी ये होता है ना कि कोई भी कलर जो आपको दिल कर रहा था जो आपको मूड होता है उस कलर का, लाइक इसमें देखिए अब लाइट येलो सा कलर भी है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बिकॉज आई लव द येलो कलर, सो आप वो भी कैरी कर सकते हैं या ऑफ वाइट कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत स्टफ़ है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी मैंने अंदर देखी इसका जो घेरा है वो क्योंकि लॉन है प्योर लॉन तो उसको मैंने हैवी करने के लिए एक पैच लगाया है अंदर ताकि जो घेरा है वो थोड़ा वज़नी रहे और जो है वो ऐसे बैठा बैठा से रहे। ठीक है, ये इसकी बैक साइड है और बैक साइड पे भी इसकी पीछे सारी फुल चुनटे हैं और दोनों बाजू पे मैंने बो बना दी है इसकी, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये भी जो है ये लॉन नहीं है, ये लॉन से थोड़ा सा डिफरेंट कपड़ा है। ये बहुत खूबसूरत, इसको भी मैंने कॉम्बिनेशन दिया है वाइट का और इसके नीचे वाइट जीन्स यूज़ करती हूँ। ये जो था इस तरह से मेरे पास एक मैंने दुपट्टे लिए थे दो और एक मैंने यूज़ कर लिया और एक जो है वो पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा उसी का जो है ना मैं फ्रिल अपने बाजू पे इसको कट करके लगा देती हूँ क्योंकि ये एक अच्छा सा डिज़ाइन मुझे माइंड में आ रहा था। तो इसकी जो है ना पेटी पर मैंने वाइट स्ट्रिप इस तरह से लगा दी और बाजू जो है वो मैंने क्वार्टर रख के आगे इस तरह से फ्रिल दे दी बाजू को मैंने और नीचे दामन पर ये मैंने एक लेस का पैच लगाया है जो कि ऑफ वाइट एंड गोल्डन कलर में इस पर सारा काम हुआ हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है अंदर से इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही डिसेंट एलिगेंट भी लगता है। ये इसके साथ वाइट दुपट्टा यूज़ करती हूँ और वाइट जीन्स के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है ड्रेस। ये इसकी बैक साइड है, आप फ्रंट बैक साइड भी आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना दुपट्टे का ही पैच लगाया हुआ है और फ्रंट पर इसके दूसरे